रायगढ़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा तीसरी बार जनदर्शन के माध्यम से लोगों से बातचीत की। उन्होंने जूट मिल थाने के दुर्गा चौक में चौपाल लगाकर आम जनता की समस्याओं को सुना और उनके तत्काल निराकरण के निर्देश दिए हैं। जूट मिल क्षेत्र में मुख्य रूप से महिलाओं और युवतियों को होने वाली परेशानियों की शिकायत मिली है। पुलिस अधीक्षक ने मनचले युवकों की वजह से महिलाओं में हो रही परेशानियों को देखते हुए रेगुलर पेट्रोलिंग के निर्देश दिए हैं। गीता महान, किस बात को लेकर आज जनदर्शन में आए थे, क्या समस्या है आप पुलिस अधीक्षक को बताएं? वही हम लोग मारपीट किए थे उन लोग घर घुस के लड़के लोग, तो रिपोर्ट लिखवाने गए तो हम लोग का केस दबा दिए हैं। अच्छा, और क्या? और कुछ नहीं है, बस आपका भी समस्या बताएं। मेरा आँख नहीं दिखता है सर, दोनों ऑपरेशन कराऊंगी बोल दी है। अपने खर्चे में? हाँ बोले हैं, रायपुर जाने के लिए भी बोले हैं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जैसे उनके निर्देश थे कि हर जगह, और बाद में इसको फॉलोअप PHQ से भी लिया जा रहा है, हमारे DGP साहब, IG साहब लगातार फॉलोअप ले रहे हैं कि अधिकारी पब्लिक के बीच में जाएं, जो इवन वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, जो SP रैंक के हैं, DSP एडिशनल, सभी अपने पब्लिक के बीच में जाएं और जनता से इंटरेक्ट करके उनकी जनता की समस्याओं को सुने। जनता की जो समस्याएं ऑन स्पॉट सॉल्व हो सकती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो जिनमें थोड़ा सा वर्किंग ज़रूरी है या जिसमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उस पर भी काम करना चालू करें, उनके आवेदन लें, जो भी लीगल समस्याएं आ रही हैं उसको भी देखें। तो उसी क्रम में आफ्टर ये घरगोड़ा और चक्रधर नगर के बाद में तीसरा जनदर्शन हम लोगों ने यहाँ आज दुर्गा चौक